शांति। आज 10 नवंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सोगति होगी, निद्राजीत बन जाएंगे? उत्तर है, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी, ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। गीत है, जो पिया के साथ है, ओम शांति। जो पिया के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सब का बाप रचयिता एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सदगति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति तो सबकी है, दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म मुख्य को ही उठाया जाता है। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकी नाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्यों ने नाम भी रखवा दिए हैं त्रिलोकी नाथ, डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी। यहाँ भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती हैं। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते हैं उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा है, ड्रामा को कोई जानते नहीं। यह भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए, बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा न कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वह लोग तो समर्थ भी हैं, पैसे तो उन्होंने पास बहुत हैं। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है। इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, यह क्राइस्ट इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं, भारत सबको बहुत खींचता है। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है, फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अब तुम समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं।
अब है अंत, कोशिश करते हैं हम वापिस जाए, परंतु पूछो उनसे, तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापिस जाने के लिए, सब आते ही हैं पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते आखिरी दुख में आना ही है, फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो, जो जानते हैं उन्होंने नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। यह मेला सब तरफ जाएगा, तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, उनके नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का गंगे मनोहर को जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अब मुख में नाम जपते हैं, फलानी बहुत सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, मीठी हैं, देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, घुरत घुराए, यानी स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं, तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा, तुम नफरत करेंगे तो यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फिर सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होती है, यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नज़दीक बैठेंगे। तुम सब हो कर्मयोगी, अपने घर को भी संभालो, क्लास में एक घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है, स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती हैं, उनमें भी बाप कहते हैं, एक घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर, फिर धंधे धोरी में चक्र लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है। यह विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है, यह शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है, यह ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा, नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। यह तो पुराना मूत पलीती शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नॉट पेनी है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है, जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है, ज्ञान योग से
अपने को सजाएंगे तो परिया बन जाएंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परिया बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया, ऐसे तो नहीं कहेंगे। भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया, भगाया पटरानी बनाने के लिए। तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो मिला। यह है पाठशाला, यहाँ मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार से बैठ समझाते हैं, कोई ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते, उनसे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर हैं, और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा, कल्प की आयु कोई क्या बताते हैं। अब समझाने की भी ताकत चाहिए, योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योगयुक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है, सेकेंड सेकेंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबर वार तो है ना, यह लोग समझते हैं हम एक हो जाए, पर अर्थ का पता ही नहीं। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है, श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही हैं। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकलते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। यह भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है। नंबर वन है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना ही खून दूसरों का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं। सिर्फ वह कह देते हैं यह विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे यह काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हट योग है। तुम शंकराचार्य से हट योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, कृष्ण के कितने हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32। यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह बहुत दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो रिसेप्टर्स है उनका जन्म निकालेंगे। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो, करके एक दो जन्म का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, अबाउट में समझाते हैं। यह सब बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो
पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे, बाप से वर्षा लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। बच्चे बंबई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते, अरे ज्ञान रत्न लो और धारणा करो। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरी पॉइंट है, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। आज का वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान। सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान। सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विश्लेषण है, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। अच्छा, ओम शांति।